नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर कॉरिडोर के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज 18 के चमन पलानिया की यह खबर है, करतारपुर साहिब पहुंचने पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत किया गया, जिस पर सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। करतारपुर के सीईओ ने इमरान खान की ओर से सिद्धू का स्वागत किया। सिद्धू के इमरान खान पर दिए बयान के बहाने बीजेपी ने राहुल गांधी के घेरने में देर नहीं लगाई। क्या बात है, ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर के पाकिस्तान सबकी खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार, वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग, थैंक यू, गॉड ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम पहली बार नहीं उमड़ा है। आज जब वो करतारपुर पहुंचे तो उन्होंने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। जबकि एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और उन्होंने बाजवा को गले लगा लिया था। इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर हो रही सियासत पर सिद्धू ने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। मैं पिछली बार भी जदों गया सी, लोग छोटियां जिहियां गल्लां चक लैंदे आ, छप्पड़ां दीआं गल्लां करदे आ, टोबियां दीआं गल्लां करदे आ, खूहां दीआं गल्लां करदे, समुंदर दी गल नहीं करदे। मैं समुंदर दी गल करदा, मैं उह गल करदा जिहड़ी ना सिर्फ 3 करोड़ पंजाबियां दी जिंदगी बदल सके बल्कि लोकां नूं खुशहाल कर सके। भाई इस करके कि जिंदगियां बदलन वास्ते जड़े किस्मत ते साड़ी ताले लाते वो खुलने चाहिए, साड़ा सिलकन रूट खुलना चाहिए। ते मैं भी अज आस करदा, एक रिक्वेस्ट करदा, एक फरियाद करदा कि अगर पंजाब की जिंदगी बदलनी है तो अगला स्टैप यह है, क्यों साडा समान 2100 किलोमीटर जाके मुंद्रा पोर्ट खड़े, तो मुंद्रा पोर्ट की दा उत्थे जाके 2100 किलोमीटर क्यों जावे, तो भाई 20 किलोमीटर क्यों ना जावे, 22 किलोमीटर ही है ना इतों, तो जे कराची बॉम्बे खुला है। वो इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर बीजेपी ने सिद्धू के बहाने राहुल गांधी को घेरने में देर नहीं लगाई। संबित पात्रा ने इसे राहुल गांधी के इशारे पर दिया गया बयान करार दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमामंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ, आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। आप देखिए, सलमान खुर्शीद, रशीद अलवी, मणिशंकर अय्यर और इन सब के ऊपर राहुल गांधी ये हिंदू और हिंदुत्व को गाली देते हैं और वही नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के हक में और इमरान खान के हक में स्टेटमेंट देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये कोई एक्सीडेंटल स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं। सलमान खुर्शीद का यह कहना कि हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस जैसा है, यह भी एक्सीडेंटल नहीं था, सोच समझकर लिखित रूप से किताब में डाला गया है। उसके बाद राशिद अलवी का यह कहना कि जय श्री राम कहने वाले निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के मूल भावना के ऊपर, हिंदुस्तान की संस्कृति के ऊपर एक कुठाराघात था। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विषय है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का ही विषय है।
परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। ये राहुल गांधी की सोच है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सिद्धू के बहाने राहुल को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और राहुल गांधी के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। पिछली बार उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा को गले लगाया था, उनकी जमकर तारीफ की थी। क्या यह कोई हैरानी की बात है कि गांधी भाई बहनों ने अनुभवी अमरिंदर सिंह की जगह पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना है? वहीं सिद्धू के इमरान खान को बड़ा भाई बताने पर उनके करीबी प्रगट सिंह ने क्या सफाई दी, सुनिए। आप इसको जैसे मर्जी इसको चला सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि भाई हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान उनका है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए दृढ़ हैं, क्योंकि हम जब हिंदुस्तान का झंडा हाथ में लेके, क्योंकि मैं 10 साल कप्तान रहा हूं, जब हिंदुस्तान का झंडा लेके जाते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये डिफरेंट बात है कि हाँ भाई कोई बंदा वहाँ का भी उस टाइम कैप्टन था, वो क्रिकेट खेला हुआ था, आज वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही ना बनता तो फिर क्या ऐसी बात थी? क्योंकि जब मोदी जी जफ्फी डालते हैं बीजेपी को कुछ नहीं, सारा कुछ ठीक लगता है भाई। वो तो एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, किसी के उसमें चले गए थे, किसी का जन्मदिन मनाने चले गए थे, नवाज शरीफ जी का। कृषि सुधार कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद इस मुद्दे पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान संगठन एमएसपी पर कानून बनाने की मांग पर अड़ गए हैं। आज किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सिंगू बॉर्डर पर बैठक बुलाई है। किसान नेताओं ने बॉर्डर खाली करने के लिए अब नई शर्त रखी है। तो आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बड़ा ऐलान कर दिया था कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो कृषि कानून थे हम किसानों के हित में लाए थे, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए लाए थे, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यही वजह है कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। जब संसद में अगला सेशन शुरू होगा तब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने यह कहा है कि जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हम आंदोलन पर डटे रहेंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कम से कम एक साल में उन्होंने अपनी गलती का एहसास करा तो भाई कम से कम एक साल में ज्ञान प्राप्त उनको हो गया तो ठीक है। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दें, ये दो चीजें हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा। एक कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे, 20 मामले हो रहे हैं, रोज सरकारों से बातचीत करनी पड़े तो कमेटी बातचीत करती रहेगी। फिर बैठक होगी, संयुक्त मोर्चे की बैठक, और उसमें तय करेंगे हम। ये जब खाली होंगे, जब कमेटी बन जाएगी, कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी तो बात करेगी ना, फिर दोबारा हम बातचीत करने के लिए आंदोलन करें। एमएसपी पे गारंटी कानून कौन बनाएगा? या दे रेट में फसलों की खरीद हो रही है, इसको कौन रोकेगा? ये मंडियों की जमीन बेची जा रही है, इसको कौन रोकेगा? उसके लिए फिर आंदोलन शुरू करेंगे 2 महीने बाद में। आज तो बातचीत है, एक कमेटी, और एक कमेटी बनेगी, जो और मामले होंगे वो कमेटी तय करेगी। आंदोलन खत्म हो जाएगा एमएसपी पे, जो और मसले होंगे, 20 मामले हो रहे हैं, रोज सरकारों से बातचीत करनी पड़े तो कमेटी बातचीत करती रहेगी। फिर ये कह रहे कि 15 लाख रुपए मिल गए आपके,
प्रधानमंत्री ने 15 लाख की भी घोषणा करी थी, वो मिल गए। ये कानून के दायरे में आएगी सारी चीजें। चाहते ये हैं कि भाई अरे बातचीत तो करे भारत सरकार, जो उन्होंने उस टाइम पे बातचीत करी थी, जो मसले उन्होंने कहा था कि ये होगा तो उस पर बातचीत करे फिर दोबारा। कृषि कानून वापसी का पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है, लेकिन अब भी कांग्रेस केंद्र को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक नफे नुकसान की वजह से लिया गया है। आज के वक्त में जो फैसला सरकार का लिया गया है उसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जोड़ तोड़ के कारण, राजनीतिक नफे नुकसान की कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जिन प्रदेशों में चुनाव आएगा अब 2 महीने बाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, ये एपिसेंटर है इस किसान आंदोलन का, ये जो 3 प्रदेश हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कैलकुलेशंस भी हो सकती। आप लोगों का यानी कि कांग्रेस का भी समर्थन रहा है किसान आंदोलन को लेकर, आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस देश के किसान के साथ थी, है और रहेगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी का पूरा देश स्वागत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग अन्नदाताओं पर भी सियासत करने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। नकवी जी, कृषि आंदोलन जारी रहेगा, राकेश टिकैत ने कहा है प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भी। देखिए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। सरकार ने एक संवेदनशील फैसला किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख की बात है कि अन्नदाताओं के सरोकार पर भी कुछ लोग सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं। ये लोग जो लोग कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं, वो अन्नदाताओं और कृषि और कृषकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने ईमानदार हैं, खुद इस बात का वो प्रमाण है और जवाब है। विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से मुद्दा उठा रहा है, प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिखी। देखिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। संवेदनशील तरीके से जिस तरह से फैसला सरकार ने किया है, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है। क्या उचित रवैया विपक्ष ने अपनाया है इस कानून का? जब मुझे तो सबसे ख़राब जो रवैया, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा कहते हैं, उनका दिखाई पड़ता है। इस जो अन्नदाता हैं उनके सरोकार पर भी सांप्रदायिक सियासत करना, ये इससे ज़्यादा घटिया, इससे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो नहीं सकती। इस कानून के वापस लेने के बाद सीए जैसे कानून को भी वापस लेने की मांग होती है। मैंने कहा कि अन्नदाताओं के सरोकार पर सियासत करने वाले लोग जो है वो अन्नदाताओं के क्या हितैषी हैं? मोदी जी ने कानून वापस लिया है और तमाम आपकी पार्टी की ओर के नेताओं से भी बयान आया कि उन्होंने अपनी एक तरीके से बड़ा नेता साबित किया। इंदिरा गांधी भी 1975 में कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टेट्समैन, एक बहुत ही बड़े लीडर का एक फैसला है और इसलिए इसका पूरे देश स्वागत कर रहा है। और राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 के भवानी सिंह की यह खबर है कि कल यानी रविवार को गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण शाम 4 बजे जयपुर में राजभवन में होगा। इससे पहले नए मंत्रिमंडल को लेकर अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के बीच बैठक भी हुई, जिसके बाद कुछ नाम तय हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के नेता शामिल हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और राजस्थान की सियासत से यह बड़ी खबर है। कल यानी रविवार को गहलोत मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण शाम 4 बजे जयपुर में राजभवन में होगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नए मंत्रिमंडल को लेकर अशोक गहलोत और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन के बीच बैठक हुई है, जिसके बाद कुछ नाम तय बताए जा रहे हैं। इनमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के नेता भी शामिल हैं। तो नए चेहरे कौन होंगे, इसको लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं, लेकिन तारीख और वक्त तय कर दिया गया है मंत्रिमंडल फेरबदल का। जिस काम के लिए अजय माकन ही आए हैं वो काम भी करना है इनको। पता नहीं क्या फैसले होंगे, या तो हाईकमान जानता या ये जानते। बेसब्री से इंतजार है हम सबको लॉटरी खुलने का।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अशोक गहलोत अपने बयान में कह रहे हैं कि हमें नहीं पता अजय माकन जी आए हैं वो कौन कौन से नाम देंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो तय हो गया है वो हम आपको बता रहे हैं कि समय और तारीख तय है, कल शाम 4 बजे जयपुर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, नए चेहरे, इनके नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, अटकलों का बाजार गर्म है, 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, इसके बाद 12 जगह अभी भी गहलोत मंत्रिमंडल में खाली है। अब देखना यह है कि कौन कौन से नए चेहरे हैं जो इन खाली जगहों पर फिट बैठेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का, जो सुबह से इस मामले पर अपडेट दे रहे हैं। भवानी, कोई नई अपडेट, कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे? देखिए रवि, पहले तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल की तारीख समय सब कुछ तय हो गया, कल शाम को 4 बजे फेरबदल होगा। उससे पहले कांग्रेस दफ्तर के अंदर सभी को बुलाया गया है, वहाँ से फिर उसके बाद में शपथ लेने के लिए जाएंगे। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि 12 मंत्री लगभग फाइनल हो चुके हैं कि 12 नए मंत्री बनेंगे, 12 ही जगह खाली है। शाम तक हो सकता हो कि 3 मंत्रियों के और इस्तीफे हो सकते हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग है कुछ देर बाद में, उस कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, मंत्रिपरिषद की मीटिंग है वैसे तो, उसके अंदर और माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सभी के इस्तीफे ले रहे हैं, उसमें से कितने इस्तीफे वो मंजूर करके राज्यपाल को भिजवाएंगे वो उन्हीं के भिजवाए जाएंगे जिनकी की मंत्रिमंडल में से छुट्टी करनी है। तकरीबन माना जा रहा है कि टोटल जो 15 जगह खाली रखी जाएगी जिसमें से 12 को शपथ दिलाई जा सकती है, 2 या 3 खाली रखे जा सकते हैं। अभी तक के मुताबिक तकरीबन 5 मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत के कोटे, माफ़ कीजिएगा, सचिन पायलट के कोटे से लिए जा रहे हैं और बाकी है वो अशोक गहलोत के कोटे से हैं। नाम तकरीबन लगभग फाइनल हो गए हैं। अब कुछ थोड़ा सा जो पैच बचा हुआ वो इस बात को लेकर है कि सचिन पायलट 6 मंत्री चाहते हैं। जी रवि, साफ तौर से पेच जो है वो अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गहलोत गुट से शकुंतला रावत, पायलट गुट से रमेश मीणा, वहीं आपको बता दें गोविंद मेघवाल गहलोत गुट से हैं, पायलट गुट से ब्रजेंद्र ओला, पायलट गुट से हेमाराम चौधरी और गहलोत गुट से रामलाल जाट, ये वो नए चेहरे हैं जिनके नाम जो हैं अभी चल रहे हैं, आशंका जाहिर की जा रही है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।